बिहारीrecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को दलिया बनाने की विधि बताऊंगी। तो देखिए, ये दलिया है, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हर जनरल स्टोर के दुकान पे ये मिलता है दलिया। सर्दी के दिनों में बहुत ही जो है सही होता है सेहत के लिए भी, क्योंकि ये जौ से बनता है। तो अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सब्जी में हमने यहाँ लिया है शिमला मिर्च, ये एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च है, बारीक कट कर लिए हैं। गाजर है, इसे भी बारीक कट कर लिए हैं। और ये मटर है एक कटोरी, इसे भी, और एक कटोरी ये बीन्स है, बारीक कट कर लिए हैं। पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर है। मसाले में हमने लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ये है गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच जीरा और काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर है, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये तीखा और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। इसमें दो मिर्च है तो हमने अलग से मिर्च हम नहीं लिए हैं। ये जीरा है और ये है दलिया और ये है मिक्स दाल, उसमें अरहर मूंग मसूर का ये मिक्स दाल है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल को अच्छे से दो से तीन मिनट के लिए भिगा देंगे और दलिया को भी हम धो लेंगे। इन दो चीज़ों को धो करके और हम कुकर में बनाएंगे। तो गैस पे हम कुकर गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। तो देखिए, कुकर मेरा गर्म हो चुका है। हम एक छोटी चम्मच इसमें सरसों का तेल डालेंगे, इसमें ज़्यादा तेल नहीं पड़ता है। और तेल गरम हो गया है तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब जीरा हमारा चटकने लगा है तो हम इसमें सभी सब्जी डाल देंगे जो हम कट करके रखे थे। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और सभी सब्जी को हम डाल देंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे सब्जी को, एक मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर हम फ्राई कर लिए हैं, इसमें मिलाएंगे नमक और सभी सूखे मसाले जो हमने लिए थे, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मसाले को हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो मसाला हमारा फ्राई हो गया है। हम एक मिनट तक सब्जी और मसाले को भून लिए हैं, दाल भिगा करके रखे थे तो उसे भी डाल देंगे। और साथ ही में डाल देंगे हम दलिया और इसको अच्छे से चला लेंगे। और इसमें डाल देंगे टमाटर, और अब हम डाल देंगे इसमें एक से डेढ़ गिलास पानी और कुकर को कर देंगे बंद। अब हमें इसमें केवल एक सीटी लगाना है, ज़्यादा नहीं। जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं उसी तरह केवल हमें एक सीटी लगाना है इसमें। तो देखिए, हमारा दलिया बन के बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने कुकर से जब सीटी निकल गया तो हमने इसमें बारीक कटा हरा धनिया भी मिला लिया है और हम अब इसे एक ढोंगे में निकाल लिए हैं। तो गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल बिहारी रेसिपी सीमा तिवारी है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।